इस समय पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। अटल जी की अंतिम यात्रा में पूरे देश ने देखा था कि प्रधानमंत्री कितने भावुक हो गए थे, और उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने अपना गुरु और एक पिता तुल्य अभिभावक खो दिया है। नमस्कार, मैं भावना सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका HBN न्यूज में। आज हम बात करेंगे आज के दिन के बारे में। आज का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे देश में क्रिसमस भी मनाया जा रहा है, और आज ही के दिन एक महान राजनेता का जन्म हुआ था। एक अच्छे वक्ता, राजनेता और ओजस्वी कवि अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सिखाया जिंदगी जीने का अलग अंदाज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है आज। आपको बता दें, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को गुलाम भारत के ग्वालियर स्टेट में हुआ था। साल 1996 में वे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस पद पर वे 3 बार बैठे। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 96वां जन्मदिन है। उनके व्यक्ति तत्व को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक ऐसा राजनेता जिसका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। यही नहीं, अटल जी कुशल वक्ता थे। संसद में जब भी वह किसी विषय पर बोलते तो पक्ष क्या विपक्ष क्या पूरा सदन शांत होकर उनकी बात को सुनता था। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अटल जी ने राजनीति को एक नई परिभाषा दी। उनकी विनम्रता की मिसाल देते हुए उनके विरोधी कहते थे कि अटल जी तो अच्छे हैं, लेकिन सही पार्टी में नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता जो अटल जी को और उसे अलग करती थी, वह था उनका कविता प्रेम। उन्होंने जीवन और देश प्रेम पर आधारित कलजाई रचनाओं को गढ़ा। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस विषय पर सबसे ज्यादा लिखा, वह मौत था। उनके निधन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में एक कविता रही है, मौत से ठन गई। क्षमा करो बापू, तुम हमको वचन भंग किए, हम राजघाट को किया पावन, मंजिल भूले यात्रा आदि। जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार की गढ़ तोड़ेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। साल 1924 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। वे न सिर्फ एक आजस्वी थे बल्कि एक कवि भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को गुलाम भारत के ग्वालियर स्टेट में हुआ था, जो आज के मध्य प्रदेश का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ठीक उसी दिन हुआ जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के पहली और आखिरी बार अध्यक्ष बने। जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक कवि, पत्रकार, संघ के कार्यकर्ता के तौर पर लगातार विजय पथ पर बढ़ रहे वाजपेयी पहली बार 1957 के लोकसभा चुनाव में जीत कर संसद पहुंचे। वे 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात से सांसद रहे। उन्होंने साल 1991 से पहले आखिरी चुनाव तक यानी 2004 तक लखनऊ लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। वाजपेयी ऐसे अकेले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पूरा 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश में एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक कवि के रूप में अपनी रचना बनाना चाहते हैं। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए,
छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है। वाजपेयी ऐसे अकेले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पूरा 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। साल 1996 में चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। राष्ट्रपति ने सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार साल 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और फिर साल 1998 से लेकर के 1999 तक यानी 13 महीने के लिए दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। फिर आखिरी और तीसरी बार साल 1999 से लेकर के 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने साल 2009 में राजनीति से संन्यास लिया। वहीं 25 दिसंबर 2014 को वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न का ऐलान किया गया। अलीगढ़ शहर का नंबर वन कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर यूनियन बैंक के पास जीटी रोड अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। अलीगढ़ का नंबर वन बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस।